मुख्यमंत्री गहलोत का एक बयान खासा चर्चा का विषय बना हुआ है और इस बयान को मुख्यमंत्री अपने मंच से दूसरी बार दोहरा रहे थे। मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मैं सीएम पद को छोड़ना चाहता हूं, पर यह पद है कि मुझे छोड़ना नहीं चाहता। अब मुख्यमंत्री गहलोत जिस तरह राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, तो उनके इस बयान के कोई मायने ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और अशोक गहलोत भी इस बात को मानते हैं कि राजनीति में गहलोत जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। अब उनकी इस सोची समझी बात के क्या मायने हैं बताएंगे आपको आगे वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप थिंक 360 का पॉलिटिकल अपडेट देख रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत का बयान जो खासा चर्चा का विषय बना हुआ है उसको आपको एक बार सुना देते हैं। हार गलना बहुत बड़ी बात है। आप बार बार मुख्यमंत्री बनो, दापू देवी जी आपकी भावना को मैं कदर करता हूँ, पर मैं कई बार सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूँ, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। बात सुनो, मैं कहता हूं हर बात में बोलता हूं सोच समझ के बोलता हूं। ये बात बोली मैंने सोच समझ के बोली थी। मैं कहना चाहूंगा मीडिया वालों को सबको, मैं समझता कि रनिंग के अंदर मैंने कॉमेंट ही कर। अब इस बयान के राजनीतिक पंडित अलग अलग मायने लगा रहे हैं। कुछ का मानना है कि गहलोत एक संदेश देना चाहते हैं और ये संदेश आला कमान के लिए हो सकता है, पायलट कैंप के लिए हो सकता है, या कहें अपने ही पाले के नेताओं के लिए हो सकता है। कांग्रेस के ही अंतरिम सूत्रों की माने तो अशोक गहलोत का ये मैसेज सचिन पायलट को लेकर हो सकता है, क्योंकि अशोक गहलोत कभी भी सचिन पायलट को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। भले ही ऊपर से देखने में लगता हो कि दोनों की सुलह हो गई हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दोनों ही नेता अपनी राजनीतिक मिसाज चल रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत अपनी राजनीतिक मिसाज में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में अगर कांग्रेस सरकार रिपीट होती है तो पायलट को बैलेंस करने के लिए अशोक गहलोत ने जाट नेताओं को काफी मजबूती से खड़ा किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर अशोक गहलोत के खास माने जाने वाले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, रामेश्वर डूडी, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया और रामलाल जाट शामिल हैं। क्योंकि गहलोत अपने खेमे के नेताओं को उनकी सीनियोरिटी का फायदा उठाने का संदेश हमेशा से देते आ रहे हैं, क्योंकि गहलोत खेमे के जितने भी नेता हैं वो सचिन पायलट से काफी सीनियर हैं, इसलिए गहलोत सचिन पायलट को बैलेंस करने के लिए उनके सामने जाट वोटर्स को पूरी तरह से मजबूत कर रहे हैं और उनके सामने एक मजबूत फौज खड़ी कर रहे हैं। धन्यवाद।